आज हम आपको NX 100 एयर गन की पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है और आप किस तरह से अपना 3,000 रुपया बचा सकते हैं इसकी रिपेयर में। तो इससे पहले, आप चैनल पे न्यू हो तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, ये मोबाइल लिया, ये आ गया अमेजिंग वर्क मनोहर का वीडियो, लाल बटन प्रेस किया और घंटी का बटन प्रेस किया और सब्सक्राइब हो गया। उसके बाद आपने देना है एक लाइक, छोटा सा लाइक देना है। अब देखना मजा आता है लाइक देने में या नहीं। तो गाइस, देर नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको हमने सबसे पहले ओपन करना है। ये देखिए, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है इसका नाइट्रिक पिस्टन, जो बैठ गया है। और इसके लीवर को हम यहां से ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली इसमें जो होती है गैस भरी हुई होती है, और कम से कम ये मिलता है 3,000 रुपये का। ये देखिए, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अब ये और दोस्तों, ये न्यू है, देख लीजिए। इसको प्रेस करने में कम से कम 1/2 टन की पावर चाहिए, लेकिन मैं इसको भी नहीं डालूंगा, मैं इसको ही रिपेयर करके दिखाऊंगा आपको, वो भी ऐसा तरीका कि फ्यूचर में आपका जो पैसा है वो बहुत ही कम लगे इसकी रिपेयर में। अगर हम इसको डालेंगे तो आपका 3,000 रुपया फ्यूचर में लगते ही रहेगा रिपेयर में, और इसको मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे सबसे पहले पुराने पिस्टन को ओपन कर लेना है, जो मतलब अंदर के पार्ट पड़े हुए हैं उनको पूरी तरह से निकालना है। उसके बाद करनी है मुझे इसकी बोरिंग, ताकि मैं इसमें आसानी के साथ स्प्रिंग को फिट कर सकूं। और बोरिंग भी मुझे उतनी ही करनी है जितना कि स्प्रिंग का डाया है। अब बात करते हैं आगे कि मेरे पास तो न्यू पिस्टन पड़े हुए, फिर मैं ये पुराने पिस्टन के पीछे क्यों पड़ा हूँ? तो गाइस, इसके रहते दो रीजन। जो पिस्टन की कीमत है वो 2,500-3,000 या 3,500 रुपये तक रहती है, तो इतना पैसा रिपेयर में खर्च नहीं कर सकते हैं। और स्प्रिंग की यहाँ पे जो कीमत रहती है वो रहती है 250 या 300 रुपये मात्र। तो फ्यूचर में जब भी आपकी एयर गन का पिस्टन बैठता है तो इसमें आप स्प्रिंग भी फिट कर सकते हो, वो भी आसानी के साथ। ये काम आप रिपेयर वाले से करवा सकते हो, ताकि अगर फ्यूचर में आपकी गन को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पिस्टन भी इसी गन में फिट कर सको, और जो स्प्रिंग का सिस्टम मैं कर रहा हूँ वो भी आप आसानी के साथ फिट करवा सको। और दूसरी गारंटी इसमें ये रहती है कि इसकी जो गन की शूट करने की पावर है उसमें भी कोई कमी नहीं रहती है। तो यहाँ पे मेरी बोरिंग हो चुकी है और अब मुझे करना है इस एयर गन को फिट करना है बट में, क्योंकि मैंने स्प्रिंग डाल दिया है पिस्टन को बोरिंग करके। तो अब फिट करने का सिर्फ यही तरीका है कि जब भी आप बट में इस गन को फिट करोगे तो बस इसके स्क्रू का आपको ध्यान देना होता है, स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करना होता है, ताकि आपकी गन या बट में कोई प्ले नहीं रहे। अगर प्ले रहती है तो आपकी गन का जो लीवर रहता है, जिससे हम गन को कोक करते हैं, वो लीवर आपका प्ले हो सकता है या टूट सकता है। तो गाइस, हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि गन का आपको स्प्रिंग सिस्टम ठीक लगा या पिस्टन का सिस्टम ठीक लगा, तो कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।